मंगलवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला शहरी इकाई द्वारा एसडीएम शहरी भानु गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नौजवान सभा के शहरी सचिव अमित कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को दी गारंटी अभी तक पूरी नहीं की है। उन्होंने अपील की है कि सरकार नौजवानों के साथ किए गए 1 लाख सरकारी नौकरी सहित अन्य मुख्य गारंटियों को जल्द पूरा करे, नहीं तो DYFI को मजबूरन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा ने SDM जो अरबन है उन्हें ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये जो है ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार ने दावे खास तौर पर जो चुनाव के समय किए थे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो और 18 से 60 साल की जो युवतियां हैं उन्हें 1500 देने की बात हो या जो 10-10 करोड़ की स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण की योजना जो है सरकार ने दावे किए थे और इसके साथ साथ फ्री बिजली हो या जितनी भी परीक्षाएं पिछले काफी लंबे समय से नहीं है, उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए, ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हमने SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और हम ये साफ कहना चाहते हैं कि सरकार जितने भी ये दावे और वादे जो सरकार ने चुनाव से पहले किए थे इन वादों को जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा आने वाले समय के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा आम युवाओं को लामबंद करते हुए प्रदेश के अंदर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।